जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितने इनकी बुद्धि है उतने ही इनकी करतूतें भी हैं। तो उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी, जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे, तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें, अमेरिका और चीन, कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेक कर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है, उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। मूल मुद्दा यह है, यह हम आपके सामने आके कहना चाहते थे। इस देश के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है, और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद यह करती है, और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि यह हमारा मत नहीं है। अगर आपका मत नहीं है तो निकाल फेंकिए, और सरकार के स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में विदेशी ताकतें काबिज है, नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है, और यह सब हो रहा है उसका भी सत्य सामने आना चाहिए।